तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीवी ब्लॉगर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्ती रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का सीन ये है कि आज मैं कोई बहुत बड़ा ब्लॉग आपको नहीं दिखाने वाला हूं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं प्योर ऑफ रोडिंग। क्योंकि हमने जो कैसोन का CS6 कैमरा लिया था, आज उससे मैं अपने आसपास की जो बिल्कुल ऑफ रोड है उसमें जाने वाला हूं, तो आपको दिखाने वाला हूं वीडियो। आप भी देखिए कितनी मुश्किल भरी ये सड़कें होती हैं हमारे पहाड़ की। तो दोस्तों चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया है, वीडियो स्टार्ट कर लिया। देखो ये स्टार्टिंग है हमारे घर से और बड़ा मुश्किल, देखिए बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन डेली का है, चढ़ना तो है लेकिन गाड़ी के लिए दिक्कत वाली बात है ही। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि हमारा जो कैमरा है इसका इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो भी देख लेंगे हम कि कितना स्टेबल वीडियो आ रहा है इससे। कि अगर वीडियो स्टेबल नहीं आ रहा है तो फिर हमें इसको लेने का कोई फ़ायदा मतलब नहीं बनता इसको लेने का, क्योंकि मैं तो ले ही चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लें या ना लें। ये देखिए दोस्तों बड़ी ख़राब सड़क है, मोबाइल में अगर आपको दिख रहा है वीडियो, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी भी मेरी कम है, लेकिन चल जाएगी अभी अपने आप काम के लिए। अभी चलते हैं हम। ये आपको जहाँ पे सूखी सी मिट्टी दिख रही है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो गाड़ी स्लिप होती है फिर संभालनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास कोई हल्की गाड़ी है वो तो फंस जाएगी फिर। ये रिस्क है इसमें, सड़कें बन जाती हैं नदियाँ इस टाइम पे, लेकिन हम हैबिचुअल हो गए हैं इसके, आदत बन गई है तो मुश्किल नहीं आती। लेकिन कभी कभी क्या होता है गाड़ी स्लिप हो जाती है, अभी भी गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने प्रो राइडर हो गए थे अभी गिरते नहीं हैं, अभी भी गिर जाते हैं क्योंकि सड़क ऐसी है। और फिर गिर गए तो चुपचाप उठो और अपना निकल पड़ो काम पे। और ये एक पहाड़ में मैं अपने घर की वीडियो दिखा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे वहाँ का हाल है, ये हर जगह का हाल है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जो कच्ची सड़कें हैं उनमें ये हाल है, पक्की सड़कें जहाँ पे हैं बीच बीच में उनमें भी पानी भर जाता है, तो मुश्किल टाइम होता है। और सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि इतनी बारिश ना हो जाए कि जो सड़क है वो सड़क कहीं नीचे ना चले जाए कि कोने से, तो फिर आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद से गवर्नमेंट कितने टाइम एक्शन लेगी, कब सड़क बनेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए यही दुआ करते रहते हैं बारिश हो तो सड़कों को वैसे नुकसान ना हो, पानी भर जाए वो तो सूख जाता है दूसरे तीसरे दिन। ये देखिए ये स्कूल है अपना प्राइमरी, जहाँ से पाँचवीं तक की पढ़ाई हुई है, फिफ्थ तक की पढ़ाई यहीं से हुई है। तब अच्छा लगता था बहुत जब छोटे छोटे थे, और एक टेंशन ये था कि सुबह उठ के स्कूल जाना है, और वैसे लाइफ में कोई टेंशन नहीं था। तो मस्त होके जब स्कूल जाते सुबह, और मेरे को ध्यान है वो छोटे छोटे वो लकड़ी के पटले पार्टी कहते थे हमारे पहाड़ में उनको, उनसे उनमें लिखना होता था सुबह सुबह, जो लकड़ी जलाकर उसका कोयला हो जाता उसको पीस करके उन पे उसको घिसना था, उससे काला बनाना था उसको, उसके बाद मिट्टी से या चौक से लिखते थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो भी वो यादें अनमोल यादें हैं वो। और यह सड़क पर चलने वाली यादें भी किसी अनमोल चीज़ से कम नहीं है, लेकिन जाना है तो जाना। या यहाँ जैसे कि ठीक है ये स्लोप है ऐसे तो पानी सारा निकल जाता है नीचे, अब जहाँ पे नीचे जमा हो रहा होगा वहाँ पे दिक्कत होगी, और जहाँ से पानी निकल जा रहा है वहाँ तो ठीक है, वहाँ पे रोड में थोड़ा गड्ढे बन जाते हैं लेकिन ठीक होता है। जिसकी देखो ये यहाँ पे अगर पानी जमा होता है, अभी तो एक दो दिन बारिश हुई है, ज़्यादा एक हफ्ता होगी, तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी फिर चलते हैं आगे, देखते दिखाते हैं आपको और मज़ेदार सीन। और देखिए आजकल पहाड़ में ये अच्छे लग रहे हैं सड़कों पर बैठने के लिए, पहले से थे नहीं, अब आप आओ और टनाटन थक गए हो तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम करो, मजे की लाइफ भी है। अरे वाह, कैसे भी करके हमको
अभी जल्दी बारिश आने से पहले घूम के भी आना है। मेन मोटिव तो मेरा आज ये वीडियो बनाना था आपको, ऑफ रोडिंग दिखाना। अभी एक और डेंजर रोड है, उसमें मैं गया नहीं, उसमें मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रोड है, उसमें हर कोई इंसान नहीं चला सकता, ये तो मैं कहता हूँ। कभी वहाँ भी चलेंगे, अपना रास्ता तो वो वाला भी है। अभी फ़िलहाल हम इससे निकल जाएँ, वही बहुत है। अभी एक और डेंजर जोन है, वो अगर वो पार हो गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी देखना आप ये वाला सीन, यहाँ एक तो कोने में रहती है लास्ट में, और ये अब कोशिश करते हैं यहाँ से निकालते हैं। और ये जो ये दुकान है अपनी सबसे नज़दीक वाली दुकान, तो सामान वामान अगर कुछ लेना हो इमरजेंसी में तो यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे मार्केटिंग करनी हो तो फिर वो आप भक्यासैन दौरहाट अपने पास की मार्केट है वहाँ चले जाते हैं। देखिए इतना पानी से भरा हुआ, और यहाँ से आती है हमारी पक्की सड़क। यहाँ से डामर रोड आए थोड़ा सा रिलैक्स होता है। अब देखिए